अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि ये इस वीडियो की या फिर इस सीरीज़ की ज़रूरत भी क्या थी, लेकिन मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, तो मैं ये एक बात ज़रूर बताऊँगा कि इसका आपके बेटे के और बेटी पर दिमाग पर जो असर होता है, जो डिप्रेशन में वो चला जाता है। तो अब देखिए, आज का जो वीडियो है वो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी अभी पास आउट हुए हैं और उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन का हो सकता है, खुद के बिजनेस का हो सकता है, या फिर किसी कंपनी में काम करने का हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जब भी आपका बेटा या फिर बेटी घर को आएंगे या फिर घर पर रहेंगे, तो उस केस में आपके जो रिश्तेदार होते हैं या फिर आपके जो दोस्त होते हैं, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो आपके दोस्त होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके बेटी को या फिर आपके बेटे को आपके ही सामने सलाह देना शुरू कर देते हैं कि आपको गवर्नमेंट प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, खुद का बिजनेस करना चाहिए। अगर वो खुद का बिजनेस कर रहा है तो उसको कहेंगे कि आपको गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और हो सकता है कि अगर वो कंपनी में काम कर रहा है तो कुछ इस तरह की सलाह दी जाएंगी। तो देखिए, एज अ पेरेंट्स सबसे पहले आपका ये काम है कि ये तय करना कि जो सामने वाला जो बातें आपके बेटे को या फिर बेटी को बता रहा है उसका इंटेंशन क्या है, क्या वो सच में गाइड कर रहा है या फिर आपकी बेटे के या फिर बेटी की मजाक उड़ा रहा है। तो ये सबसे पहले आपको तय करना है। अब देखिए, अगर वो सजेशन कर रहे हैं, सच में उनका जो उद्देश्य है वो पॉजिटिव है, सच में वो अगर आपके बेटे का या फिर बेटी का अगर भला चाहते हैं, तो ठीक है, जो भी बातें हैं वो होने दीजिए। लेकिन ये भी देखिए कि आपका जो लड़का है या फिर लड़की है उन बातों पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, बिकॉज़ अगर देखिए उनकी रिएक्शन अगर नेगेटिव है, तो मैं कहूँगा कि आपको आपके बेटे को या फिर बेटी को समझाना होगा कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही है वो आपके भले के लिए। बिकॉज़ देखिए, एक मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगा कि जैसे हम पास आउट होते हैं तो एक्चुअल में हम बहुत ज़्यादा टेंशन या फिर मैं कहूँगा कि डिप्रेशन में होते हैं कि हम करियर के साथ कर क्या रहे हैं, फिर चाहे वो डिसीजन सही हो या गलत हो, लेकिन फिर भी हम उस डिप्रेशन में होते हैं। तो उस वक्त आप ये एक्सपेक्टेशन हम लोगों से नहीं रख सकते कि हमारा जो दिमाग है या फिर हमारा जो बिहेवियर है वो एक समझदार व्यक्ति की तरह रहेगा। तो एज अ पेरेंट्स आपका ये काम है कि आपके बेटे को या फिर आपकी बेटी को संभालना है उस स्टेज में जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है या फिर इस तरह से उसे सजेशन मिल रहा है, तो उसे समझाना है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी भलाई के लिए ही बताई जा रही है। अब ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर एज अ पेरेंट्स अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, फिर चाहे आपका रिश्तेदार हो या फिर दोस्त हो, वो एक्चुअली आपके बेटे को या फिर बेटी को परेशान कर रहा है या फिर आपके बेटे और बेटी का मजाक उड़ा रहा है इस करियर के पॉइंट पर, जो कि आपको भी पता है ऐसे रिश्तेदार कई होते हैं हमारी फैमिली में, तो आपको क्या करना है। अब ये तो बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उन्हें अपमानित नहीं करना है, बिकॉज वो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इन लोगों को हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो आपको चीज़ बताए, लेकिन आपको करना क्या है। सबसे पहली बात तो आपको आपके बेटे को और बेटी को समझाना होगा कि जो आप कर रहे हो, जो आप तुम कर रहे हो, वो एक्चुअल में सही है, इन लोगों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है जिस वीडियो में मैंने बताया था कि जो लोग इतना फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, तो उनको आपके बेटे का जो भी रिज्यूमे होगा या फिर मार्कशीट होगी या फिर जो भी डिटेल्स होंगे वो उन्हें दे दीजिए, और उन्हें कहिए कि देखिए दोस्त, आपको इतनी अगर जानकारी है तो मेरे बेटे को जॉब लगा दीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए सफिशेंट होगा। तो ये आप बात उनसे कर सकते हैं। और दूसरी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर एज अ पेरेंट आपको लगता है कि, मान लीजिए हो सकता है कि आपको, मैं सिर्फ सिविल इंजीनियर की बात करता हूँ, कि आपके बेटे ने सिविल इंजीनियरिंग की है या फिर आपके बेटी ने सिविल इंजीनियरिंग की है, लेकिन आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि अब इसे किस डायरेक्शन में करियर में जाना चाहिए, लेकिन आप चाहते हो कि एक प्रॉपरली गाइडेंस मिले, तो मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास जाइए जो करियर के बारे में आपके बेटे या फिर बेटी को गाइडेंस करेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ आपका रिश्तेदार है या फिर दोस्त है, इस बेसिस पर, इस पैरामीटर पर आपके बेटे को या फिर बेटी को उस व्यक्ति से सजेशन देने की सलाह लेने की सलाह अगर दे रहे हैं, तो वो बहुत गलत होगा। तो यहाँ पर सिंपल सोल्यूशन यही है, आपको अगर लगता है कि मेरे बेटे को या फिर बेटी को सच में करियर के रिलेटेड सलाह की ज़रूरत है, तो किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट कीजिए और उनके द्वारा ये जानकारी आपके बेटे और बेटी को दीजिए, बिकॉज इस चीज़ से इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आपके दोस्त को और रिश्तेदारों को इसमें इन्वॉल्व करते हो और वो अगर सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं सच में कहूँगा कि अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि ये इस वीडियो की या फिर इस सीरीज़ की ज़रूरत भी क्या थी, लेकिन मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, तो मैं ये एक बात ज़रूर बताऊँगा कि इसका आपके बेटे के और बेटी पर दिमाग पर जो असर होता है, जो डिप्रेशन में वो चला जाता है, तो उससे अगर आपको बचाना है, आपके
बच्चों को, तो मैं कहूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट जो रहेंगे रिलेटेड करियर कंसल्टेंसी, तो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको ज़रूर मदद होगी। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि देखिए, जो भी डिसीजन आपके बेटे या फिर बेटी ने लिया है अपने करियर के रिलेटेड, उन्हें आपको कम से कम 3 से 5 साल का टाइम देना होगा। बिकॉज देखिए, कोई भी करियर जो है वो एक दिन में या फिर एक साल में आप उसके आउटपुट या फिर रिजल्ट नहीं देख सकते। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपके बेटे या फिर बेटी को टाइम दीजिए। उस टाइम, वो टाइम जाने के बाद अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें, जो डिसीजन आपके बेटे ने या फिर बेटी ने लिया था वो गलत साबित हुआ है, फिर आपका काम होता है उसे टोकना और वहाँ से आपको उन्हें सही रास्ता दिखाना है। लेकिन प्लीज़ एक टाइम ज़रूर दीजिए, अदरवाइज़ जो चीज़ें वो बच्चा करना चाहता है या फिर करना चाहती है वो नहीं कर पाएगा। और मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बेटे का या फिर बेटी का बुरा नहीं चाहते। तो अगर आपको आपके बच्चों का भला चाहते हैं आप, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा टाइम दीजिए। एक टाइम देने के बाद आपको आउटपुट ज़रूर नज़र आएंगे, उसके बाद आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। ये वीडियो मैं कहूँगा कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपके पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप खुद पेरेंट्स हो तो मैं कहूँगा कि अदर पेरेंट्स के साथ भी ये चीज़ें ज़रूर शेयर कीजिए। बिकॉज़ हमारे इंडिया में दूसरों की मजाक उड़ाना आजकल ये बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक फैशन सा हो गया है कि खुद तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन दूसरे के लड़कों को या फिर लड़की को कैसे नीचा दिखाना है, उस परिवार को कैसे डाउन दिखाना है, ये हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से चल रहा है, एक फैशन है। तो हमें इसे अगर रोकना है तो ये एक प्रोफेशनल वे है जो आप ज़रूर आजमा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।